वैश्यावृत्ति के विरोध पर हुई अंकिता भंडारी की हत्या। अंकिता हत्या केस के आरोपियों ने उगले राज। सीएम के आदेश पर अवैध रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या में गिरफ्तार आरोपी पुलिस की हिरासत में अपने राज उगल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अंकिता पर जबरन वैश्यावृत्ति करने का दबाव बनाया। जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसकी आरोपियों के साथ बहस हो गई। अंकिता ने आरोपियों को धमकी दी कि अगर उनके साथ जबरदस्ती की गई तो वे रिजॉर्ट में होने वाले सभी अनैतिक कार्यों का भंडाफोड़ कर देंगी। इसके बाद ही आरोपियों ने अंकिता को ठिकाने लगाने की साजिश रची। इस मामले में रिजॉर्ट संचालक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्या और उसके दो मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया है। अंकिता का शव तलाशने के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद ली थी। गोताखोरों की मदद से अंकिता का शव शनिवार को बरामद हो गया है। पुलिस ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल के नालंद सीयू पट्टी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वो 18 सितंबर को लापता हुई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। इधर पुलिस इस मामले को दबाने में जुटी रही, लेकिन स्थानीय लोग रिजॉर्ट में चल रहे अनैतिक कार्यों के बारे में जानते थे। कई लोगों ने रिजॉर्ट के अवैध होने के दावे किए थे। मामला भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे से जुड़ा होने पर पुलिस जल्दबाजी कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग अंकिता के मामले पर सड़क पर उतरे तो प्रशासन और सरकार सख्त कदम उठाने पर मजबूर हुई। इस मामले में देर रात अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने का ऑर्डर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जारी किया गया था। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है, और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूंकि फॉरेंसिक और कई सारी जाँचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। जांच के दौरान पुलिस ने जब रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट गई थी, लेकिन 10:30 बजे जब ये तीनों रिजॉर्ट में लौटे तो अंकिता उनके साथ नहीं थी। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने सारे राज उगल दिए। जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की तीन लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सपोर्ट की जाएगी बॉडी, फिर परिजन जहां भी उसका दाह संस्कार करना चाहेंगे करें। पुलिस हिरासत में आरोपियों ने बताया कि वे अंकिता पर ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। अंकिता इसका विरोध कर रही थी और अपने परिचितों को ये सब बता रही थी। वो बार बार रिजॉर्ट का राज खोलने की बात की चेतावनी दे रही थी। इन सब के चलते हत्या वाले दिन दो अलग अलग वाहनों पर चार लोग चीला बैराज के पास गए। वहां पर उन्होंने फास्ट फूड के साथ शराब पी, इसके बाद आगे चले और नहर किनारे रुक गए। यहां पर पुलकित और अंकिता का झगड़ा हुआ। बहस के बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल छीनकर नहर में फेंक दिया। इस बात पर पुलकित को गुस्सा आ गया और उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने दो बार पानी से ऊपर आकर बचाने की आवाज लगाई, मगर तीनों डर गए और वहां से भागकर रिसॉर्ट में आए।